नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रीट पात्रता परीक्षा आपकी 23 जुलाई से होने वाली, 23, 24, 25, यानी 3-4 शिफ्ट के अंदर यानी होगा आपका एग्ज़ाम। तो मात्र आपके पास कितने दिन बचे हैं? 10 दिन बचे हैं। 10 दिनों का अल्टीमेट आपके पास है, 10 डेज बचे हैं रीट पात्रता परीक्षा 2022, जिसको सिर्फ दोस्तों आपको पास करना है। लेकिन इसके चलते बीच में सेकेंड ग्रेड भी थी, एग्ज़ाम आ गए तो उसकी भी तैयारी कर रहे थे कुछ जो इस लाइन में थे, वो वीडियो का एग्ज़ाम भी दे के आए थे। तो इसी बीच क्या था कि कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाए हैं। बहुत लगभग है जो लगातार तैयारी कर रहे थे, उनकी बहुत अच्छी तैयारी है। लेकिन सभी स्टूडेंट्स के लिए कि लास्ट के जो 10 दिन हैं उसमें क्या बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी की जाए कि हमें ये जो प्रमाण पत्र जो है पास का वो मिल जाए, क्योंकि इसमें नंबरिंग का कोई महत्व नहीं है। इसमें नंबरिंग का कोई महत्व नहीं है, पास करना है और उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाओगे, जो कि रीट की मुख्य परीक्षा जो कि होने वाली है आपकी जनवरी के अंदर। तो बहुत ही बेहतरीन रणनीति मैं आपके साथ डिस्कस करूँ आगामी 10 से 15 मिनट जो होंगे आपके, ये बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। अगर पूरे अच्छे से आप चीज़ों को सुनते हैं और फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम आराम से दोस्तों आप पास कर पाओगे। तो शेयर कर देना इस वीडियो को जिससे सभी साथी तक पहुँच पाए, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगामी जितनी भर्ती हैं जैसे कि मेन रीट, बेहतरीन तरीके से दोस्तों तैयारी करवाई जाएगी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप अच्छे से जानते हैं कि आपके 150 प्रश्न आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। और आपको क्वेश्चन सही कितने करने हैं, आपको कितने प्रश्न सही करने होंगे पात्रता के लिए? जो जनरल का बच्चा है, जो जनरल का स्टूडेंट है ना, उसे 90 यहाँ पर स्कोर करना होगा। और बाकी जो SC ST OBC है, OBC को भी है ना 83 के आसपास ही नंबर लाने होंगे। मतलब यहाँ पर ये 60% का वेटेज है और ये 55% का वेटेज है, इतना ही है ना। तो ये स्कोर करना होगा। हमारे पास सब्जेक्ट की संख्या देखो तो कितनी है, आपको सर सब्जेक्ट की संख्या देखोगे तो हमारे पास 5 है, ठीक है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लेवल टू की बात कर रहा हूँ। और यहाँ देखेंगे, एक तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि हिंदी आपकी भाषा विषय दिया गया है, हिंदी है। दूसरी आपकी इंग्लिश है, उसके साथ संस्कृत भी बहुत बच्चे लेते हैं, संस्कृत हो गई ना। साइकोलॉजी आपके पास है, उसके बाद में साइंस मैथ का एक ऑप्शन रहता है, और ना इसके साथ अगर ये साइंस मैथ वाले नहीं तो उनके पास SST का विषय रहता है। तो सभी के देखा जाए तो 5-5 विषय हैं सभी के लिए। अगर साइंस मैथ का तो उसके साइंस मैथ आ जाएगी, SST वालों की साइंस मैथ नहीं आती, तो उनका वो सब्जेक्ट है, अपना एक सब्जेक्ट का होता है। प्लस में एक सब्जेक्ट और मैं मानता हूँ यहाँ पर टीचिंग मेथड का और रहता है। तो क्या करें इसमें, क्या है ना बेहतरीन, तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको बता दो आपके पास कितने दिन है। आपके पास 10 डेज है। रेगुलर को आपको 8 घंटे तो मिनिमम निकालने होंगे, 8 घंटे तो 8-9 घंटे तो डेली आपको स्टडी करनी है 10 दिनों के अंदर। जो भी काम कर रहे हो बाकी छोड़ दो, 10 दिन के अंदर जो भी चीज़ें हैं त्याग दो, क्योंकि 8-9 घंटे, क्योंकि अगर पात्रता परीक्षा नहीं पास कर पाओगे तो शायद फिर आगे भर्ती चाहिए वो 1 लाख पदों पे आए, कोई फायदा नहीं होगा आपके, है ना, उसका आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये जो पड़ाव आपका है, ये पात्रता परीक्षा है लेवल 2 वालों के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 8-9 घंटा, मतलब 10 दिन आपको पढ़ना। आप सोच के देखो कि भी 8-9 घंटा डेली पढ़ते हो, 10 दिनों में 90 घंटे का कार्यक्रम, कितने घंटे का, 90 घंटे, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपने पहले कुछ पढ़ रखा है तो। दूसरी बात, जो 10 दिन में स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा है या कुछ पढ़ रखा है या 50% तैयारी की, उनके लिए भी फायदेमंद है। अब किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है, वो कहता कि मैं आज ही कॉपी पेन उठाऊँ तो फिर तो चमत्कार हो सकता है, ऊपर वाला चमत्कार कर सकता है, और फिर भी कोशिश करके देख लेना, क्या पता किस्मत साथ हो तो शायद हो जाए आपका। चलिए बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट को लेकर, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी बात करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं टू द पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप। जो चीज़ें बता रहा हूँ ये तो आपको करना ही करना है, बाकी आपको अधिकतर चीज़ें और अपने अकॉर्डिंग कवर करनी है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बता रहा हूँ कि 10 दिनों में इन चीज़ों को तो हमें कवर करना ही करना है, और 7 से 8 घंटा जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आप पढ़ें इस समय, ठीक है। देखो 5 सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं लेवल 2 में साइंस मैथ वालों के लिए, और SST उनके तो देखो फुल बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो अपने अकॉर्डिंग अपने समझ के अनुसार है वो कर सकते हैं। उसकी बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हिंदी आपकी भाषा का चुनाव होता है। देखो हिंदी आपकी भाषा चुनाव, हिंदी के अंदर आपको बताया कि 20-21 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के रहते हैं, 10-1 टीचिंग मेथड का। तो मैंने क्या किया है, मैंने अभी सब्जेक्ट के बताए हैं और टीचिंग मेथड का मैंने अलग से लिख दिया है कि टीचिंग मेथड का क्या करना है।
हिंदी में देखेंगे, क्योंकि हिंदी के अंदर आप गौर से देखें कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण संधि समास वाक्य पदबंध वर्ण विचर, ये जो टॉपिक है ना, इतने ही टॉपिक एक तो समझने वाले हैं, तो इनका अच्छे से रटना नहीं है, इनको अच्छे से 10 दिन के अंदर आपको समझना है। आप चाहो तो ये 2 दिन में कार्यक्रम खत्म हो सकता है, 2 दिन के अंदर, क्योंकि एक दिन संधि सर्वनाम सॉरी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और संधि ये कंप्लीट, एक दिन में ये कंप्लीट, और यहां से एक एक प्रश्न पक्का बनेगा, पदबंध से पक्का एक प्रश्न बनेगा, समास से एक पक्का प्रश्न, वाक्य से पक्का प्रश्न है, संधि से पक्का प्रश्न है, यहां से 2 प्रश्न बनने की संभावना है, यहां से भी एक, यानी ये जो इतने टॉपिक मैंने बताए यहां से 10 प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल है। और बाकी जो टॉपिक है उनको दोस्तों रटने की आवश्यकता है, उनको कोई समझ नहीं है, जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, एकार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है, वाक्य शुद्ध है, वो तो एक अलग बात, उनमें वो तो आपको पढ़ना है अलग से, लेकिन इनको विशेषकर इनके जो रूल रेगुलेशन है, जो नियम है, जो उदाहरण है, बहुत अच्छे से कंटेस्ट करके समझकर दोस्तों जाना है कि यहाँ से प्रश्न आएंगे, क्योंकि हम जो आपको बता रहे हैं कि हमारा टारगेट ये है कि आप इस पात्रता को क्लियर करें, कैसे करें, क्योंकि आपको 90 नंबर बनाने हैं, तो एवरेज अगर 20-20 प्रश्न भी लेके चलोगे तो 100 नंबर बन जाते हैं और आराम से पात्रता क्लियर हो जाएगी, टेंशन फ्री रहो। देखो ठीक है, टीचिंग मेथड का रहता है अलग से, वो बताऊंगा लास्ट में। इसी प्रकार इंग्लिश भी है बच्चों के पास में और संस्कृत, मैक्सिमम संस्कृत भी दे रखी है, तो इंग्लिश देखो ऐसा कि मेरा सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश मुझे बहुत कम आती है, तो उसके बारे में तो क्या ज्ञान दे, पता नहीं उसका, और फिर भी इंग्लिश के अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर इंग्लिश वही स्टूडेंट ले रहा है जिसके पास सब्जेक्ट है उसका, तभी लेगा, अदरवाइज नहीं ले रहा, ठीक है, तो आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगा इंग्लिश के बारे में। बाकी संस्कृत मैक्सिमम के पास है, संस्कृत में अगर देखें संधि समास प्रत्यय उपसर्ग अव्यय छंद वाच्य स्वर व्यंजन और कारक, यहाँ से पक्का 200% प्रश्न बन के आएगा, 200% प्रश्न बन के आएगा, इनको आप अच्छे से इनके जो भी रूल है वो रट के नहीं समझ के जाने हैं, एक एक प्रश्न पक्का इनसे बनने वाला है। अब जैसे छंद है, छंद में 1% पक्का आएगा और बड़ा सरल टॉपिक है, कुछ भी नहीं छंद के अंदर, ट्रिक है वो रट लो और वहाँ से आपको इंद्र वर्जा उपेंद्र वर्जा यहाँ से 1% मेरे को लगता है यहीं से पूछ लेगा, ठीक है, तो इसको अच्छे से। उसके बाद वाच्य बहुत आसान टॉपिक है, अगर कारक बहुत अच्छे से आते हैं तो वाच्य भी आप कर पाओगे, कारक से भी पिछली बार भी सरल प्रश्न दोस्तों कारक से पूछा गया है। स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान भी आसान है दोस्तों, इनको भी अच्छे से करके जाना है। संधि समास अगर हिंदी में बहुत अच्छे से संधि समास कर लेते हो तो यहाँ पर भी आप उनका फायदा ले सकते हो, कुछ उसी प्रकार से। प्रत्यय से प्रश्न बनना 100% है, आराम से बनेगा। उपसर्ग और अव्यय दोनों एक साथ आते हैं, आपको पता है यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, ये जो टॉपिक ये यहाँ से प्रश्न बनेंगे, यहाँ से मान के चलो 10 प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है, 10 प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है, तो इनको भी आप बहुत अच्छे से कवर करके जाए। बाकी चीज़ें तो देखो रटने वाले क्या है वो अलग बात है। अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, एक चीज़ ध्यान रखना, संख्या ज्ञान, देखो संख्या ज्ञान और समय ज्ञान ये चीज़ वो रख लो, यहाँ से 1% पक्का बनने की पूरी संभावना है, तो ये चीज़ मैंने संस्कृत में लिखी, ये चीज़ ओवरराइड कर लो, तो कुल मिला के 10 प्रश्न का कार्यक्रम यहाँ से आराम, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 10 से कम नहीं होगा, 10 प्रश्न इन टॉपिक से बन जाएगा आराम से। अगर एक एक बनाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एक एक बनाएंगे तो भी 10 बन जाएगा, ठीक है, तो आराम से बन जाएगा। तो इनको संस्कृत में अच्छे से कवर करके जाना है, क्योंकि 10 प्रश्न यहाँ से कर लेते हैं और 10 प्रश्न हम टीचिंग मेथड से कवर कर लेते हैं तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि अपने को एवरेज लेके चलना है बहुत अच्छे से। और ये तो बाकी देखो आपने पढ़ रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, 10 दिनों में इनको डिस्कस जरूर करना है। फिर साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइकोलॉजी में बहुत ही विस्तृत सिलेबस आपको पता है, फिर भी आपने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्रियात्मक जो अनुसंधान है, हर बार प्रश्न पूछते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान से हर बार प्रश्न आता है। NCF, CCRT तीनों इंपॉर्टेंट है, इनकी विशेषता उससे प्रश्न बनेगा, या तो इनके समय का पूछेगा कब हुआ था, यशपाल समिति का गठन कब हुआ, इस प्रकार से NCF की विशेषता या CC की विशेषता या RT की विशेषता आपको पता है। धारा के बारे में पूछ, पिछली बार धारा का प्रश्न शायद नहीं आया था मेरे सबसे, धाराओं का प्रश्न अब की बार आ सकता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अधिगम है, अधिगम के बारे में अच्छे से कवर करके जाना है, बड़ी यूनिट है फिर भी। वंशानुगुण वातावरण का जो प्रभाव रहता है बाल विकास के ऊपर, वहां से प्रश्न बनने का पूरा पक्की संभावना है। बुद्धि से हमेशा प्रश्न बनता है दोस्तों, है ना, बुद्धि समायोजन कुसमायोजन अच्छा टॉपिक है यहाँ से भी। उसके बाद तीनों अवस्था, शेषावस्था है, किशोरावस्था है, वृद्धावस्था है, ठीक है, तो ये आपको गर्भावस्था जितनी अवस्था आपकी रहती है ना वो जरूर पढ़ के जानिए, वहाँ से 2 से 2% बनने की संभावना रहती है। तो इनमें साइकोलॉजी में पढ़ना सारा ही है, बट इनको जरूर विशेष कर आपको ध्यान में देना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। साइंस की बात कर लेते हो, साइंस का भी एक बड़ा सिलेबस, लेकिन साइंस में आपको पता है कि मानव तंत्र को कंप्लीट करना है, मानव तंत्र में पाचन तंत्र हो गया है, श्वसन तंत्र हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, आपका
न्यूट्रिशन सिस्टम हो गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से कवर कर जाना है। उसके बाद विटामिन्स, विटामिन के बारे में प्रश्न, और रोग, रोग से पक्का तो प्रश्न बनना ही बनना है आपको पता है रोग से। फिर प्रकाश, ध्वनि, सीमेंट, प्लास्टिक, बहुलक, रेशे, सौर परिवार है, ऊष्मा और किरण, ये टॉपिक मैंने क्यों लिखे क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता और बनेगा आपकी बार भी, ठीक है। उसके बाद कार्बन, केमिस्ट्री में कार्बन है, जैव विविधता है और प्रदूषण, यहाँ से कार्बन, कार्बन के यौगिक और उनके अपर रूप के बारे में प्रश्न दोस्तों बनेगा। जैव विविधता के बारे में याद रखना, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूरा विस्तृत टॉपिक है जिसमें बोटनी पूरी आई है, पौधों के बारे में दिया गया है, ठीक है, उनको अच्छे से कवर करना है। और पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड भी प्रश्न बनेगा, पक्का बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इनको तो कवर करना करना, बाकी चीज़ें तो आपकी मर्जी है जो आप पढ़ना चाहते हो। मैथमेटिक्स की बात करें तो सारा इंपॉर्टेंट है वैसे मैथमेटिक्स, लेकिन मेरे हिसाब से जो प्रश्न मैंने एनालिसिस किया जिसमें सांख्यिकी, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा। पाई चार्ट का प्रश्न आने की संभावना, लेखा चित्र, पाई चार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। आय चित्र, यहाँ से प्रश्न बनता है हर बार, दो से तीन चार प्रश्न बन जाते हैं यहाँ सांख्यिकी से। प्रैक्टिस एक प्रश्न बनेगा, लाइन और एंगल से दो प्रश्न बनेंगे आपके। घन, घनाभ, बैलन, इन तीनों में से इनको पढ़ना, बाकी अलग मत पढ़ना। घन, घनाभ, बैलन में से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, दो भी हो सकते हैं। प्रतिशत है, जन्म दर, मृत्यु दर इंपॉर्टेंट है, गुणनखंड से भी एक प्रश्न पक्का है। घातांक इंपॉर्टेंट है, घातांक से दो प्रश्न पक्के हैं। ब्याज, सरल ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज से एक एक प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा मैथ वालों के लिए, बाकी तो पढ़ना सारा ही है क्योंकि अभी समय कम है। अब इतना टॉपिक अगर आप सब्जेक्ट में कवर करते हो इन 10 दिनों में आराम से हो जाएगा, टाइम शेड्यूल खुद बना लेना। अब इनके अलावा इनमें तो आपको मैंने जो आइडिया बताया कि 20-22 का ये जो खेल है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 20-22 का खेल मैंने बता दिया है, अभी सुनना भी और बातें करें 20-22 का। अब टीचिंग मेथड का जो रहता है वो सभी सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर टीचिंग मेथड में ये टॉपिक सभी में आ रहे हैं, ये जो टॉपिक है ये सभी में आते हैं और यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे आप मैथ का दे रहे हो, चाहे आप साइंस का, चाहे साइकोलॉजी में चले जाओ, चाहे हिंदी में चले जाओ, संस्कृत में, इन टॉपिक से एक एक प्रश्न बनता है। मापन, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, CCE, सहायक सामग्री, उपचार प्रश्न, इनको कंठस्थ नहीं बहुत अच्छे लेवल पर तैयार करके चले जाना। मान के चलो कि 5 प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे आपके, 5 प्रश्न बनने की मेरे हिसाब से जो मेरा अनुमान है कि 5 प्रश्न पक्के यहाँ से बनने की संभावना है। तो इनको तो बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करके जाना, ये मैंने आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इनको कवर करके जाना, यहाँ से ये चीज़ें मैंने क्यों बताया क्योंकि यहाँ से आपका रास्ता आसान हो जाएगा। पात्रता आराम से दोस्तों क्लियर कर पाओगे, पात्रता में ये जो चीज़ें मैंने बताई ना, ये पात्रता पास कराने बहुत इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों अदा करने वाली है। बाकी तो आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, ऐसे तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, यही पढ़ोगे खाली, है ना, पढ़ रखा उसी के लिए। कह रहे थे कि पात्रता पास करनी है तो उस घबराने की आपको आवश्यकता कहाँ है ये बताओ पहले, तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कैसे कि आपको 90 बनाने हैं, मैं एक जनरल कैटेगरी की बात कर लूं, 90 बनाने भी सोच के देखो कि जो साइंस मैथ का है, कोई साइंस मैथ है, अब देखो जिसके पास मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ में 25 नंबर बना सकता है, जिसके पास मैथ विषय 25 नंबर बना सकता है, बट वो साइंस उसकी कमजोर हो सकती है तो वो 20 बना लेगा, यही तो होगा। लेकिन जिसकी साइंस पार्ट अच्छा है वो तो साइंस में 25 बनाएगा लेकिन वो 20 यहां पर 20 बना लेगा, तो यहां तो एवरेज तो बनेगा, घबरा क्यों रहे हो। तो यहां पर आप लेकर 20-25 ही नहीं, मैं मान के चलता हूं कि टीचिंग मेथड साथ में अगर मिलाते हो दोनों का तो 60 प्रश्न आपके साइंस मैथ के रहते हैं, साइंस मैथ कितने 60 प्रश्न, तो 50% नंबर तो आप आराम से ला सकते हो 50, क्योंकि साइंस मैथ के हैं तो आप साइंस मैथ पढ़ाते भी हो और इतने सालों से पढ़ते भी आ रहे हो, पीछे भी आपने तैयारी की थी बहुत जबरदस्त तरीके से, तो 50% तो लाजमी है आप, इतना कोई स्तर नहीं रहेगा पेपर का, नॉर्मल रहने वाला है, ठीक है, घबराओ मत आप। तो 50% तो यहाँ से, बाकी बच गया 40 नंबर का खेल, अब सुनो बस को, 40 नंबर का खेल बच गया। अभी हिंदी है, हिंदी है, हिंदी में लगभग 22% सही करोगे आप, मुझे पता है, मैंने बहुत मिनिमम लेके चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल मिनिमम क्राइटेरिया लेके चल रहा हूँ कि 22% हिंदी के अंदर, 22% दिखाई दे रहा है, 22% हिंदी में आप सही करोगे, और यही मैं 20% लेके चलता हूँ संस्कृत में, हो सकता है 20 हो जाए, हो सकता है 18 हो जाए, है ना, तो 20% में लेके चलता हूँ क्योंकि 20% जो मैंने बताया ना यहाँ से आप ये कवर कर लोगे और संस्कृत के जो टॉपिक मैंने बताया तो 20 तक आपके सही हो जाएंगे। तो 20% यहाँ से लेके चलता हूँ, अब कितने हो गए आपको, सिर्फ 2 और 2 और 2 4 42 हो गए, तो 40 और 40 80 और 82 नंबर का खेल तो हो गया भैया, 8 नंबर तो कम रहे हैं, बाकी क्या बचेगा आपका, साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी से तो 15+ तो सही करोगे साइकोलॉजी में, 20 तक तो आंकड़ा पार करोगे, इतना पढ़ो यार, है ना, 20 तक तो देखो जो टॉपिक बताए वो कर लोगे तो भी 20 तक पहुंच जाओगे, तो ये नहीं मान के चलो कि आप 95 और 100 के आसपास पहुंच जाओगे, डरो मत, पात्रता क्लियर हो जाएगी, 95 100 के आसपास पहुंच जाओगे, और जो ST ST OBC के उनको तो 83 चाहिए, तो वो तो अगर थोड़े थोड़े और भी कम ले आएंगे तो वो भी पात्रता पास हो जाएगी, तो उन्हें तो वैसे घबराना नहीं है,
बट 95-100 आप आराम से ले आओगे, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है उसे मैक्सिमम करने की कोशिश करना। जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ में सोच कोशिश करो कि आप 25 प्लस लेके आओ, साइंस का तो साइंस में आप सोचो 25, और हिंदी में मैक्सिमम स्कोर खींचो कि भाई हिंदी मैंने आपको 22 बताया आप 25 प्लस लेके जाओ, कहीं 30 में से भी 30 लेके आएंगे ना, तो 25 प्लस मेरा टारगेट है मैक्सिमम, बट 22 प्लस तो आप लेके आने की संभावना है, मुझे पता है इतना तो आप करोगे। तो यानी पात्रता पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर पाओगे। तो घबराए ने 10 दिन का कार्यक्रम बता दिया है, टॉपिक मैंने बता दिया है और किस प्रकार से पात्रता क्लियर हुई ये भी मैंने आपके सामने रख दिया है, कोई डाउट नहीं है। दूसरा अच्छा एक चीज़ और, मैथमेटिक्स की बात आ रही है कि सर मैथमेटिक्स कंप्लीट कोर्स करा दो। देखो मैथ के लिए पूरा मैंने अभी करवाया है तो मैथ के वो टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सेलेक्टेड टॉपिक जहाँ से प्रश्न बनेगा क्लासें आपकी आ जाएंगी, ठीक है, डरो मत आप। जैसे प्रायिकता है, एक नया टॉपिक मैंने नहीं कराया तो वो कराऊंगा, वहाँ से एक प्रश्न बनेगा, जो वीडियो बना दिया वहाँ से प्रश्न उठ के आ जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्लास आपकी बस लेने वाले हैं, डरो मत, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है। 3-4 दिन से मेरा गला भी खराब था, कल इस वजह से मैं कम वीडियो बना पा रहा हूँ, डॉक्टर ने मना किया है पीछे हमने देखा, तो वो इसीलिए। बाकी आप चिंता मत करें, आप मन लगा के पढ़ाई करें आपको जी। अच्छा जब पात्रता क्लियर हो जाती है आपकी तो फिर घबराने की चिंता, फिर आप ये सोच लें कि आपका सिलेक्शन कैसे, क्योंकि हम मैदान में उतर जाएंगे, फिर मैदान में उतर जाएंगे। साइंस मैथ के जो बच्चे उनके लिए तो भैया ये मान लेना कि आपके लिए बस ये मान लो कि चमत्कार होने वाला है, क्योंकि साइंस मैथ का है, साइंस मैथ के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बस सोच के चलो कि 120 नंबर तो सब्जेक्ट के रहेंगे, प्लस में 20 नंबर टीचिंग मेथड के, 140 नंबर का रहेगा। और मैं आज आपको दावा कर रहा हूँ कि 140 में से 120 दिला देंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है, पूरा टारगेट है, आपको कवर करवा देंगे, इतनी हमें क्षमता, इतना विश्वास हमें है। तो ये मान के चलो कि बस उनके लिए तो ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें आने वाली हैं। तो लगातार चैनल के साथ जुड़े रहना, उसके लिए विश्वास दिखाना है। विश्वास में देखो 2 दिन यहाँ पढ़ ली, 3 दिन वहाँ पढ़ ली, 1 दिन वहाँ पढ़ ली, तो फिर सिलेक्शन भूल जाना, ठीक है, क्योंकि अलग अलग नाव पे कूदेंगे तो डूबने की संभावना ज़्यादा है, हर एक नाव पे चढ़ के चलेंगे तो शायद नहीं ये पार हो सकती है, बाकी आपकी मर्जी, आप मानो ना मानो, लेकिन हम धड़ल्ले से तैयारी करने वाले हैं। बाकी RSM SSB LDC की क्लासें भी आ रही हैं जल्द, ठीक है। और इसके रिलेटेड कोई और आपका डाउट रहता है मन में कि सर और कुछ रीट को लेकर, मैथ का चिंता मत करो, मैथ का करवा देंगे, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर लिंक चीज़ें आपको डाल देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ, जय हिंद जय भारत।